इंदौर के होलकर स्टेडियम में सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। 3 मैच की सीरीज में भारतीय टीम ने पहला मैच जीतकर सीरीज में पहले ही बढ़त बना ली है। ऐसे में मेजबान टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम सीरीज का दूसरा एक दिवसीय मुकाबला खेलने शनिवार को इंदौर पहुंच जाएगी। वहीं दोनों टीम के बीच रविवार को मैच खेला जाएगा। 3 मैच की सीरीज में भारतीय टीम पहला मैच अपने नाम कर चुकी है। वहीं ऐसे में दोनों टीम को सीरीज जीतने के लिए यह मुकाबला निर्णायक साबित होगा। एक तरफ जहाँ मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा मैच को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है और वहीं इंदौर के लोगों में भी मैच को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर के मौसम को देखते हुए मैच में बारिश के खलल की भी संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि इंदौर में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है। भारतीय टीम ने इस मैदान में एक भी वनडे मुकाबला नहीं हारा है। यहां खेले गए सभी 6 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। अंतिम मुकाबला यहां जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के साथ खेला गया था। अभी तक होलकर स्टेडियम में तीनों फॉर्मेट के मिलाकर 12 मैच हो चुके हैं, जिनमें से भारत ने 10 मैच में जीत दर्ज की है। वैसे तो चुनाव आते ही सरकार जनता से बड़े बड़े वादे करने लगती है और अपने विकास कार्यों को गिनाने लगती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यही हाल है मध्य प्रदेश की सड़कों का, जहां इनकी हालत इतनी खराब है कि रास्तों पर जिंदा व्यक्ति का पैदल चलना तो दूर की बात, मरने के बाद भी खटिया के सहारे कोसों दूर पैदल ले जाना पड़ रहा है। दरअसल मामला ग्राम पंचायत धूलकोट के माफी फालिया से सामने आया है। जिला मुख्यालय बुरहानपुर से 35 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल्य धूलकोट क्षेत्र में रोजगार के अभाव में क्षेत्र से कई आदिवासी परिवार मजदूरी के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। धूलकोट के माफी फालिया के भी कई परिवार महाराष्ट्र में मजदूरी के लिए गए हैं। माफी फालिया निवासी एक आदिवासी मजदूर की महाराष्ट्र में मजदूरी करते हुए किसी कारणवश मौत हो गई थी। वहीं जब आदिवासी युवक के शव को एम्बुलेंस की मदद से धूलकोट लाया गया, तभी एम्बुलेंस को फालिया में जाने का रास्ता नहीं मिला और ऐसे में आदिवासी समाजजन मृतक युवक के शव को रात के अंधेरे में खराब सड़क व पथरीले रास्तों से 2 किलोमीटर दूर तक पैदल ही ले गए। यहां के आदिवासी ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय तो वोट मांगने के लिए नेताओं की भीड़ लग जाती है और बड़े बड़े वादे चुनाव के बाद फिसड्डी साबित होते हुए नजर आते हैं। गाड़ियां रुक गई, ट्रैक्टर रुक गया, हमारा आने जाने के स्कूल बच्चे जाते हैं वो भी रुक गया, पिसाने को जाते आटा पिसाने को वो भी रुक गए, माथे पर गठरी ले जाते हो तो बहुत परेशानी आ रही, बीमार को कैसा ले जाना, गाड़ी बैलगाड़ी रुक गई, मोटरसाइकिल रुक गई, सब रुक गए। यहाँ का 3 पुलिया टूटा है, एक मंगरा माल वाला पुलिया टूटा है, मिठू माल वाला, ये सैलानी बाबा ये भी टूट गया। प्रशासन को अभी कहीं ध्यान नहीं दे रहे, हमारा पुलिया ठीक नहीं हो रहा, तो ये हमारी बहुत परेशानी है। प्रशासन से हमारा ये मांग है कि जल्दी से जल्दी ठीक करे, नहीं तो आने वाला चुनाव में हम बहुत इसका विरोध करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे और आंदोलन करें। अभी तो इतना बड़ा बहुत बड़ा गांव में आंदोलन करेंगे। बुरहानपुर नगर निगम में सिविल इंजीनियर आयुष वर्मा का रेलवे पटरी पर मिला शव, पुलिस कर रही है जांच, सुनते ही महापौर की आंखों से निकले आंसू। बुरहानपुर नगर निगम में पदस्थ सिविल इंजीनियर आयुष वर्मा का रेलवे पटरी पर कटा हुआ शरीर शव अवस्था में मिला है। गौरतलब है कि आयुष पूर्व में पुलिस की नौकरी में था, जो कि उसे नागवार गुजरा और उसने नौकरी छोड़ दी। नगर निगम में इंजीनियर के पद पर ज्वाइन किया था आयुष। पूरे नगर निगम में सबका दुलारा हो चुका था, किंतु मौत की खबर सुनते ही नगर निगम सहित चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं महापौर माधुरी पटेल सुनते ही शोक संतृप्त होकर आंखों से आंसू झलक पड़े। लालबाग पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है कि आखिर मौत कैसे हुई, जांच के बाद ही पता चलेगा। नगर निगम में अभी जो इंजीनियर नियुक्त किए थे, जो युवा थे, उसमें से हमारा वर्मा करके, क्या नाम, आयुष वर्मा हमारे बीच से चला गया है। हमारे एक परिवार का बच्चा था, क्योंकि कल परसों ही मैंने जब MIC ली और समीक्षा बैठक ली, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये बच्चा हमारे से दूर हो जाएगा। अभी सुबह ही पता चला आदरणीय अध्यक्ष
महोदय के पति जी को पता चला, फिर मैं जब नगर निगम गई वहाँ पर एक कार्यक्रम था सीएम साहब का, वो छोड़कर मैं तुरंत यहाँ पर आई हूँ। उसके माता पिता को भी खबर कर दी है, ये नगर निगम की बहुत बड़ी हानि है। पहले पुलिस में थे, पुलिस के बाद फिर? हाँ, मेरे को ऐसा तो लगता नहीं कि इतना बड़ा होनहार बच्चा पहले पुलिस में था अस्पताल, जब तो नाम मुझे नहीं मालूम पड़ा था, फिर निगम आया मुझे जानकारी मिली, फिर मैंने उनसे बात की वापस, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आयुष वर्मा है ये, और नगर निगम सब इंजीनियर है। फिर उसके बाद बॉडियाँ आई, हम कमिश्नर साहब सभी महापौर जी अध्यक्ष जी सभी यहाँ पहुँचे, उनके माता जी को पिताजी को संदेशा पहुँचाए, तो वो भी रास्ते में पहुँच आने में है। उसके बाद दुर्घटना तो बहुत दुखद है उनके परिवार में, एक हमारा निगम का परिवार साथी इस दुर्घटना में चले गए। ये चिंचला पंचायत के अगले वाले खंभे पे हमारे वार्ड से लगे, चिंचला पंचायत है उसके आगे वाले किस कारण हुई अभी पता नहीं लगता, नहीं किसी कारण से ये नहीं पता लग पाया। इंदौर के चंदन नगर इलाके में रहने वाले व्यक्ति ने फाइनेंस वालों की धमकी से तंग आकर जहर खा लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जान देने से पहले व्यक्ति ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें कई लोगों के द्वारा लगातार धमकी देने का जिक्र भी किया गया। चंदन नगर में रहने वाले मुकेश जायसवाल ने एक मकान लिया था, जिसके लिए उसने 20 लाख रुपए का लोन भी कराया था। इसमें कुछ रुपए फाइनेंसरों को भी दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद उसे लगातार धमकी मिल रही थी, जिसके चलते उसने जहर खा लिया और खुद की जान ले ली। जब घर पर बेटी पहुंची तो उसने मुकेश की लाश मिली। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट भी जब्त कर लिया है। सुसाइड नोट में एक बैंक अधिकारी का नाम मिला है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति पर मृतक ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट कर उनसे धोखा कर लिया है, जिसके कारण वहां परेशान था। थाना चंदनगर क्षेत्र में राजनगर स्थित में एक व्यक्ति के आत्महत्या करने की सूचना सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया कि उसने जहर खा के आत्महत्या करी है। इस पर से सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है। मर्ग के बाद में मर्ग की कार्रवाई लगातार की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवाया गया है। घटनास्थल निरीक्षण के बाद में वहाँ पर एक सुसाइड नोट की प्राप्ति हुई है, जिसमें कुछ बातें उनके द्वारा लिखी गई हैं कि वो कर्ज से परेशान हैं। तो इस सभी चीज़ों को तथ्यात्मक रूप से वेरीफाई किया जा रहा है, उसके बाद में जानकारी अनुसार जो चीज़ें आएंगी सामने उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी।